सेव सेव किया किया था था ना मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसने मुझे कॉल दैट्स इट इट बट तो फॉर समवन एल्स जिंदगी में सेव करना जरूरी है मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली नमस्कार डॉपरिन में आपका स्वागत है मैं पूर्वा मंधानी मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हैं ये साप्ताहिक शो लेकर हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ चलिए शेखर शुरुआत करें एपिसोड का बिल्कुल जैसे कि हम हमेशा कहते हैं न्यूज ही हफ्ता है, है और इस साल न्यूज बहुत जगह से है क्योंकि सबके बीच में एक जो बात बहुत दिन से एंटिसिपेट नहीं की गई थी हालांकि उसकी प्लानिंग हो रही थी वो शी जिनपिंग और बाइडेन की एक समिट भी हुई सैन फ्रांसिस्को में जो कि बहुत समय के बाद अमरीका और चीन के राष्ट्रपति लेवल के ऊपर एक बातचीत हुई है जी जी चलिए शेखर शुरुआत करते हैं सबसे पहला सवाल आला श्रेय डरने का हमारे मेंबर हैं बोल रहे हैं कि इसराइल हमास संघर्ष के उग्र होने के साथ बसम यूसुफ और पियर्स मॉर्गन के बीच एक इंटरव्यू वायरल हो गया है जिसमें यूसुफ का दावा है कि संघर्ष कभी भी हमास के बारे में नहीं था और इसराइल कई सालों से फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से जॉर्डन और गाजा से इजिप्ट धकेलने की कोशिश कर रहा है क्या आपको लगता है कि इसराइल गाजा पर कब्जा कर लेगा और अगर वे ऐसा करते हैं तो क्या अमेरिका ऐसा होने देगा देखिए अभी तो अभी तो इसराइल यही कह रहा है नेतन्याहू यही कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि हम मौके पर ऑक्यूपाई करके चलाएंगे जाएंगे वही कह रहे हैं कि देखेंगे कैसे चलेगा लेकिन हम वी विल है बूथ्स ऑन द ग्राउंड हमारी सेना और हमारी पुलिस वहाँ पे रहेगी उनकी सेना और शिनबैक जो उनकी आंतरिक जो सुरक्षा एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो वहाँ रहेंगे ताकि यहाँ दोबारा हमास ना आ पाए ये उनका दावा है आ, और उनका कुछ ये भी कहना है कि इसको को, कोई देखेंगे कैसे चलाएगा उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पेलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो पी, पी एल ओ है फतेह है जो लोग वेस्ट बैंक चलाते हैं वो लोग चला लेंगे इसको तो वो नेतन्याहू तो उसको भी नहीं मानते क्योंकि वो तो इतने समय से पेलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी अंडरमाइन कर रहे हैं तो इसमें बहुत पेचीदा इशू है अगर इशू सिर्फ इतना होता कि यहां से हमास को हटा के पेलेस्टीनियन अथॉरिटी को दे दिया जाता तो फिर नेतन्याहू की राजनीति में वो सूट नहीं करता उनको क्योंकि उनको तो टू स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहिए उनको तो फिलिस्तीन नहीं चाहिए उनको तो सिर्फ इसराइल ही चाहिए जी। तो इस बात को दुनिया में कोई भी नहीं मानेगा इसको तो आप छोड़ दीजिए जो उनके इतने अच्छे दोस्त हैं नरेंद्र मोदी और भारत वो भी नहीं मानेगा भारत भी बार बार कहता है टू स्टेट सोल्यूशन टू स्टेट सोल्यूशन के एक इसराइल होना चाहिए एक फिलिस्तीन होना चाहिए जी। वो तो फिलिस्तीन क्या होना चाहिए उसके ऊपर टकराव है कुछ लोग हैं जो कहते हैं जो फिलिस्तीनियन साइड पर फिलस्तीनी साइड में कि भाई ठीक है हम मान जाएंगे लेकिन इसराइल को जो उसकी उन्नीस से पहले की सीमा थी वहाँ वापस आना चाहिए जो ओरिजिनल नक्शा था उन्नीस में जिसको सिक्स डे वॉर कहते हैं छः दिन की लड़ाई हुई जो इसराइल ने जीत ली उसमें उसने बहुत इलाकों पे कब्ज़ा किया उनमें से काफ़ी इलाकों पे उसने कब्ज़ा भी रखा हुआ है अपना और वहाँ अपनी सेटलमेंट्स बना दिए हैं और उनको अपनी तरफ से एनेक्स कर लिया है कि हमारे हो गए वो दुनिया में लोग मान नहीं रहे हैं उसको अमेरिका भी इतना नहीं मान रहा है हालांकि ट्रंप उस उस डायरेक्शन में जा रहे थे ऐसे ही जेरूसलम के ऊपर ट्रंप ने जो इसराइल का एनेक्सेशन था उसको मान लिया था कि जेरूसलम सारा आपका है और उसके मानने में अमेरिका का जो दूतावास था उसको भी जेरूसलम में शिफ्ट कर दिया था जैसे भारत का है भारत नहीं माना है तो भारत का दूतावास अभी तेलवीज़ में है तो ये सारी बातें और सारे मसले हैं भी अब हैं, हैं भी वहाँ पर कोई दुनिया में नहीं मानेगा अगर इसराइल गाज़ा पर ऑक्यूपेशन कर ले कब्ज़ा कर ले और गाज़ा पर राज करना शुरू कर दे और वो इसराइल को सूट भी नहीं करेगा क्योंकि आप कुछ भी करें जनता तो नहीं जाती है ना बाईस पच्चीस लाख फिलिस्तीनी तो वहाँ पर रहेंगे तो ठीक है इसराइल को तो बहुत सूट करता है अगर कल कोई इजिप्ट इसको ले ले लेकिन इजिप्ट लेगा नहीं क्योंकि एक ये फिलिस्तीनियों की ट्रेजिडी भी है कि जितने अरब देश मुस्लिम देश उनके बारे में बात करते हैं बढ़ चढ़ के उनमें से कोई भी उनका एक भी रिफ्यूजी इस समय लेने के लिए तैयार नहीं है वो रिफ्यूजी जाते हैं तो जाते हैं यूरोप में या जाते हैं कैनेडा में या किसी का मौका लग जाए तो वो जाता है अमरीका में तो पश्चिमी देशों में ही जाते हैं कोई यू अभी लेने को तैयार नहीं है जॉर्डन लेने को तैयार नहीं है उसने काफ़ी लिए थे पहले अब कोई लेने को तैयार नहीं है सऊदी अरेबिया कोई भी नहीं कतर इजिप्ट कोई भी ये देश ईरान टर्की कोई भी लेने को तैयार नहीं है तो इजिप्ट क्यों चाहेगा कि 20-25 लोग उनके पच्च, दी, 20 25 पच्चीस बीस पच्चीस लाख लोग उनके यहाँ आ जाएं जी। तो 20-25 लाख लोगों का मामला है उस एरिया में 20-25 लाख लोग बहुत होते हैं सोचिए कि इसराइल की खुद आबादी सिर्फ एक करोड़ करोड़ है उस एक करोड़ में करीब बीस लाख इसराइल में अरब हैं जो फिलिस्तीनी है ओरिजिनली लेकिन वो इसराइली हैं इसराइली नागरिक हैं वहीं वोट देते हैं तो उस छोटे से पॉपुलेशन के इलाके में और ऐसे ही जब वेस्ट बैंक में फलस्टीन फलस्टीन अथॉरिटी है उसका भी करीब तीस लाख के आसपास है तो तीस लाख वो पच्चीस लाख ये बीस लाख तो तीस और पच्चीस पचपन और बीस काफ़ी कई लाख मतलब साठ सत्तर लाख से ऊपर फिल, फिलिस्तीनी हो जाते हैं जी तो वो पॉपुलेशन बैलेंस जो है बहुत नाजुक है उसके अंदर इसराइल जाके फिर ऐसे इलाके पर कब्जा कर ले

बाहर से आके वहाँ के उनके ओरिजिनल मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है ये लोग बाहर से आए हैं रेफ्यूजी बन के आए असाइलम लेने के लिए आए शरणार्थी हैं और बहुत आए हुए हैं यूरोप में बहुत आए हुए हैं ब्रिटेन में बहुत आए हुए हैं कनाडा में बहुत आए हुए हैं अमेरिका में भी काफ़ी हैं तो उनकी कम्युनिटी वहाँ पर है तो भारत में तो ऐसी कम्युनिटी नहीं है भारत में जो मुसलमान हैं वो भारत के मुसलमान हैं उनका नेशनलिज़्म भारतीय नेशनलिज़्म है तो उनको किसी और देश से ठीक है एक सहानुभूति हो सकती है पर उनको यह नहीं कि वो हमारा देश है उनका देश यही है तो इसलिए वो सड़क पे नहीं आते दूसरी बात ये कि में और अमेरिका में, में जो लेफ्ट है, उनका लेफ्ट है। जैसे कि ब्रिटेन में जेरमी कॉर्बिन है जो लेबर के पहले नेता थे अब तो वह नहीं अब तो अभी जो पहला सवाल था हमारा वो नील फर्ग्यूसन के बारे में था नील फर्ग्यूसन जिनको मैं जानता हूं मेरे वॉक तो टॉक पे गेस्ट भी रहे हैं तो उनके साथ एक और इंटरव्यू था वो जेरेमी कॉर्बिन का था जेरेमी कॉर्बिन जो पहले लेबर के नेता थे और प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट भी थे लेबर पार्टी के वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट की तरफ थे तो उनको सत्रह बार उस इंटरव्यू में सत्रह एक और सात सत्रह बार नील फर्ग्यूसर ने पूछा कि आप सोचते हैं आप मानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सत्रह बार वो बात को घुमा गए ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे नहीं होना चाहिए तो वो जो व्यू है वो यूरोपियन लेफ़्ट का है तो यूरोपियन और जो यूरोपियन लेफ्ट जो है जो वेस्टर्न लेफ्ट या लेफ़्ट शख जिसको मैं बोलता हूँ वो इंडिया में भी है उन्होंने एक कॉमन कॉज किया एक फिलिस्तीनी कॉज के साथ कि उनको क्योंकि उन्होंने हमेशा सोचा कि जो इसराइल है ये एक एम्पीरियलिस्ट एजेंट है जी। ये क्योंकि एम्पीरियलिस्ट जो पावर्स हैं जो कि पश्चिमी देश हैं अमेरिका ब्रिटेन वगैरह उन्होंने एक देश यहाँ बना दिया है ताकि वो सारे एरिया को कंट्रोल कर सकें और जब कोल्ड वॉर थी एक तरफ सोवियत ब्लॉक था तो जो इसराइल के दुश्मन थे सीरिया इजिप्ट खास करके ये रशिया सोवियत यूनियन के साथ मिल गए इराक भी सोवियत यूनियन से मिला हुआ था बहुत समय तो उसमें ये कोल्ड वॉर में ये बिल्कुल डिवाइड हो गया अब जो ग्लोबल लेफ्ट है वो अभी उस बात से आगे नहीं बढ़ पाया ग्लोबल लेफ्ट ने अभी भी इसराइल को इतना एक्सेप्ट नहीं किया है और अभी भी वो उसको अभी भी वो उसको लेफ़्ट और राइट इम्पीरियलिस्ट एंटी इंपीरियलिस्ट उन टर्म्स में देखते हैं और दूसरा फिर वो कुछ ये भी सोचते हैं कि जो आज के जो मुसलमान हैं दुनिया भर के ख़ास करके मिडल uh, ईस्ट के मुसलमान अफ्रीका के मुसलमान वो अब पश्चिमी देशों से बहुत नाराज़ हैं और उन्हें पश्चिमी देशों में जो कैपिटलिज्म है पूंजीवाद है उससे गुस्सा है उसको ठीक करना है उसके ख़िलाफ़ खला, क्रांति लानी है तो क्रांति लाने के लिए सोचते हैं क्रांति लाने के लिए कोई लड़ने वाले भी चाहिए तो लड़ने के लिए मुसलमान तैयार हैं क्रांति के नारे हम पीछे से लगाएंगे तो थोड़ा सा लेफ़्ट का ग्लोबल लेफ़्ट का और इस्लामिज़्म का उसका भी एक अलायंस है जिसका फ़ायदा ग्लोबल लेफ़्ट उठा रही है जिसकी कीमत मुसलमान चुका रहे हैं अगला सवाल प्रसन्जीत भट्टाचार्य जी का हमारे मेंबर हैं बोल रहे हैं हार्ड लाइनर ब्रेवरमैन ब्रिटेन कैबिनेट से चली गई हैं और हमारे पास पूर्व प्रधानमंत्री सेंट्रिस्ट डेविड कैमरन वापस आ गए हैं यूके भारत एफटीए साइन होने की क्या संभावना है अब क्या इस पर अब भी कुछ रुकावटें आएंगी देखे यू भारत एफ में काफी काम हो चुका है और सच बात यह है कि ये एक ऐसा एफ टी जो भारत में चाहता है हालांकि मोदी सरकार जो है ये एफ को पसंद नहीं करती है वो कोई ट्रेड के ऊपर काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट हैं क्योंकि पुरानी थिंकिंग है मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ उनकी पुरानी थिंकिंग है लेकिन ये इंडिया यू के में उनको भी फ़ायदा दिखता है वो करना चाहते हैं और ये ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी करना चाहते हैं लेकिन इसके अंदर जो भी रुकावट आ रही है जो मैं समझता हूँ वो जो ब्रिटेन की ब्यूरोसी है क्योंकि जैसे हमारे यहाँ नौकरशाही है उनकी भी नौकरशाही है तो वहाँ से कुछ इसके अंदर रुकावट आ रही है कि किसी न किसी बात पर जैसे आप देख लीजिएगा इसकी इम्प्लीकेशन हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी कल कोई गड़बड़ हो जाएगी तो पॉलिटिशियन को डराते हैं तो कुछ ऐसा चल रहा है और सच बात यह है कि इस समय वहाँ पर सरकार है ऋषि सुनक की आ, लेकिन इतनी सरकारें बदली हैं प्रधानमंत्री बार बार बदले हैं कि थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस अभी ग्रो नहीं किया है अब डेविड कैमरून के आने से पहली तो बात आप देखें कि एक देश की कितनी जबरदस्त डेमोक्रेसी है हुँ. कि एक प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर जो काफी साल मिनिस्टर रहा और अभी रहा हुँ. वो आके किसी और के अंडर एज मिनिस्टर सर्व करने लगा हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होगा हुँ. मिनिस्टर सर्व करने लगा और वो भी उस, उसकी लॉयल्टी अपने देश को भी है और उसकी लॉयल्टी अपनी पार्टी को भी है जी, तो उसके आने से क्योंकि उनका अपना स्टैचर है उनकी जान पहचान है नेटवर्क है और उनका आने से एक एंडोर्समेंट भी अरे से सुनक की तो मुझे लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा और डेविड कैमरॉन के भारत में भी बहुत अच्छे संबंध हैं क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस समय भारत में उनकी बहुत इज़्ज़त थी वो भी मेरे मेरे वॉक तो टॉक पे गेस्ट थे ये बॉम्बे में जो आपका बड़ा म्यूज़ियम है आ, काला घोड़ा के पास उसमें मैंने उन उनके साथ रिकॉर्ड किया था वो वॉक द टॉक तो, तो उनके आने से मैं सोचता हूँ फ़र्क पड़ेगा अगर ये एफ ना हुआ तो वो एक disappointment की बात होगी। अगला सवाल जयदीप का है। हमारे हैं हैं बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट भारत में शरणार्थी संकट भी पैदा हो सकता है देखिए बहुत बड़ी ट्रेजिडी है क्योंकि म्यांमार की बहुत समय से यही ट्रेजिडी रही है कि वहाँ पे पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी और म्यांमार में जनरल हमेशा सत्ता में घुसते रहते हैं म्यांमार से आगे थाईलैंड है तो वहाँ भी जनरल लोग सत्ता में घुसते हैं पर हर बार ऐसे नहीं घुसते कि एक दम आके संभाल लें वो सरकार को चुनने देते हैं और सरकार के पीछे खुद बैठे रहते हैं या खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन करके चुनाव जीत के फिर आ जाते हैं बर्मा उससे एक हद आगे है तो बर्मा में वो खुद आके सब कुछ पकड़ लेते हैं और पकड़ लेते हैं तो बर्मा के अंदर भी डाइवर्सिटी है अलग अलग ट्राइब्स हैं कबीले हैं तो जो नॉर्थ बर्मा का इलाका है जो भारत से बॉर्डर लगता है आप ही बाद में पूछेंगे ये प्रवीण स्वामी से संकट सुरक्षा और स्वामी में जी. तो वो इसका जवाब ज़्यादा डिटेल में तफसील से दे पाएंगे हुँ. लेकिन वहाँ पे जो नॉर्थ बर्मा का इलाका है वो कभी बर्मी सेना के और जो रंगून की सरकार पहले होती थी अब तो नेपिडाओ है वो कभी उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई और वहाँ शुरू से बहुत तरह की बहुत तरह के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं शान स्टेट आर्मी काचिन नेशनल आर्मी चिन ग्रुप्स का यह है बर्मिश कम्युनस्ट पार्टी वाइट फ्लैग बर्मिस कम्युनिस्ट पार्टी रेड फ्लैग फिर हमारे नागा ग्रुप्स कुछ खापलांग ग्रुप के कुछ यहाँ पे हैं कुछ वहाँ पे हैं क्योंकि कई ट्राइब्स ऐसे हैं जिनके काफ़ी लोग भारत की साइड पर रहते हैं जैसे नागा ट्राइब्स हैं या मिज़ो ट्राइब्स हैं या या, कि मनीपुरी मनीपुरी ट्राइब्स हैं और काफ़ी लोग उसी ट्राइब के म्यांमार की साइड में रहते हैं तो उनके अपने ग्रुप्स हैं कई जगह हमारे ग्रुप्स भी उनसे मिले हुए हैं तो ये जो वहाँ पे इतने ज़बरदस्त इंसर्जेंसी और रेजिस्टेंस चल रहा है अपनी मिलिट्री सरकार के ख़िलाफ़ उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर बहुत बढ़ रहा है रेफ्यूजीज़ भी आ रहे हैं और अब तो आप देखिए मिजोरम में पिछले चार पाँच दिनों में खबर आई है कि काफ़ी म्यांमार के सैनिक भी क्योंकि जिनको घेर लेते हैं रेबल लोग इंसर्जेंट लोग वो भाग के शरण के लिए भारत आ रहे हैं अगला सवाल अमित का है क्रिकेट से जुड़ा सवाल है पूछ रहे हैं कि 2003 में ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत मज़बूत थी और अब भारत की टीम 2023 में काफ़ी मज़बूत है सवाल उनका यह है कि क्या भारतीय टीम 2003 हज़ार की ऑस्ट्रेलिया की टीम से ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़े देखिए अब भारत और ऑस्ट्रेलिया जो भी हो फाइनल में लेकिन बात यह कि कांटे की टक्कर है इसमें ये हम नहीं कह सकते कि आज इतना ही गैप है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जितना ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में दो था 2003 में ऑस्ट्रेलिया भारत से काफ़ी आगे थी खास करके बैटिंग के मामले में बैटिंग पावर में जी 2023 में ऑस्ट्रेलिया इतनी आगे नहीं है दोनों देश करीब करीब बराबर है तो इसीलिए ये टक्कर इतनी कांटे की होगी और इसीलिए अगर आप देखें तो सारी टीमें जो खेल रही थी दस तो ये फिटिंग है और वेल डिजर्वड है कि ये दोनों टीमें ही फाइनल में पहुंची और जब नॉकआउट मैच होता है वो तो एक ही दिन क्या होना है उसी से हर बात का फैसला हो जाता है आप देखिए इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ है कई बड़ी बड़ी टीमें तो सौ से कम में भी आउट हो गई कई बार तो ये उसी दिन होता है जो कुछ होता है उसमें किस्मत भी होती है उसके अंदर उस दिन आपकी प्लान क्या है उस दिन कौन चल पाता है क्या आपका दाव ठीक पड़ता है क्या आपका दाव उल्टा पड़ता है क्योंकि आप जो भी दाव लगाएंगे जो आपका प्रतिद्वंद्वी होगा उसको काटने की भी प्लान करेगा और अपना दाब लगाने की भी प्लान करेगा तो मैं कहूंगा कि ये इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया टक्कर की टीम है बराबर की टीम है वो कहने के साथ साथ ये भी कहूंगा कि पिछली चार टेस्ट सीरीज चार उसमें से दो भारत में और दो ऑस्ट्रेलिया में लगातार चार टेस्ट सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है तो वो एक बड़ी बात भी है अगला सवाल विशाल कुमार यादव का है वो भी हमारे मेंबर हैं बोल रहे बी में लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जैसे नॉर्मल हो गए हैं और अभी वाले केस में तो गैंगरेप की धारा भी लगाई गई है लड़कियों की बातें सुनकर तो यही लग रहा है कि ये रोज़ की घटना हो गई है इनको किसी का डर नहीं है शासन प्रशासन इतने नालायक हैं क्या आखिर कितना मुश्किल है रोकना वो भी बस तेरह एकड़ के एक कैंपस में देखें ये बहुत आ, बहुत अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ वो भी उस कैंपस में जो बिल्कुल शहर के बीच में है कोई जंगल में जाके तो है नहीं जी। और वो भी ऐसी सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर का दावा करती है और उसी के उसी के नाम पे दोबारा चुन के भी आई है तो बहुत शर्म की बात है और और कुछ डर की बात भी है कि ऐसा वहाँ हो सकता है तो ये कहीं भी हो सकता है ख़ास करके ऐसे कैंपस जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिल्कुल शहर के बीच बीचें वो भी शहर ऐसा जो कि प्रधानमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका अपना क्षेत्र है और वैसे भी यूपी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे ये हो जाना और इतने समय तक होते रहना उसके बीच में किसी को रोक नहीं पाना ये एक शर्म की बात है और हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको सजा सजा दी जाएगी और ये भी इंसाम किया जाएगा कि आगे से ऐसा ना हो अगला सवाल राधिका घोष का है हमारी मेंबर है, पूछ बोल रहे हैं हैं पूछ कि पहले सी आपके सीटीसी में आपने बताया था कि जबकि पाकिस्तान ने अपने ड्यूज नहीं चुकाए हैं चीन जानता है कि उधार दिए गए पैसे का मूल्य कैसे प्राप्त किया जाए लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा कर्जदार संकट में पड़ेंगे क्या भविष्य में इसका चीन की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा वो बोल रहे ये पहले से ही उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा देखिए अर्थव्यवस्था को तो असर मुझे लगता नहीं पड़ेगा क्योंकि चीन के पास बहुत रिजर्व हैं और वो पैसे किसी ना किसी तरीके से वापस ले लेता है जी। लेकिन उनकी रेपुटेशन पे असर पड़ेगा और पढ़ना शुरू हो गया है इसीलिए उसी कटक लेटर में मैंने कहा कि चीन ने जो बी में फंडिंग थी आ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसको थोड़ा सा मॉडरेट कर लिया है तो वो अब देख के कहाँ करेंगे कैसे करेंगे क्योंकि अफ्रीका वगैरह में उन्होंने बहुत की थी और उन्हें पता कोई पैसे वो वापस नहीं दे पाएगा तो इस समय वो भी उसको थोड़ा सा जिसको कहते हैं फाइन ट्यून कर रहे हैं और बाकी देश भी सोच रहे हैं और अमेरिका वगैरह भी कुछ ऐसा इंसाम कर रहे हैं कि मल्टीलैटरल लैंडिंग कुछ ऐसी शुरू हो जाए तो कम ब्याज पे हो और कम को पे हो जिससे कि उन देशों को वहाँ से भी पैसा मिल सके लेकिन फिर भी चाइना से चाइना से पैसा लेने का लालच बहुत आता है काफी अफ्रीका के देशों को और बहुत ऐसे देशों को जिनको बाकी लोन आराम से नहीं मिलते क्योंकि उस पैसे पर इतने कंट्रोल नहीं होता तो लोगों को लगता है नेताओं का कि इसमें से हम कुछ अपना फ़ायदा उठा सकते हैं पाकिस्तान में कारण डिफरेंट है पाकिस्तान में कारण ये है कि वो भी सोचते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है हमारा राइवल है चीन हमारे साथ है तो चीन के साथ मिलकर हम एसेट्स अगर शेयर भी कर लें तो उसमें क्या है और चीन हमारा भाई है चीन का पैसा हमारा पैसा बड़े भाई का पैसा हमारा पैसा असली जिंदगी में ऐसा होता नहीं है लेकिन पाकिस्तान में इस समय ये सोचा जाता है अगला सवाल आदित्य का है पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पर बीआरएस पार्टी के हालिया हमलों के संबंध में आपके क्या विचार हैं किन फैक्टर्स के कारण कांग्रेस तेलंगाना जैसे राज्य में इतनी महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गई है जहां पहले भाजपा को एक प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा था क्या ये कर्नाटका की जीत के कारण है या ऐसा इसलिए है कि भाजपा साउथ में सब्सटैशल रूप से बढ़ने में सक्षम नहीं है क्या आपको लगता है कि साउथ इंडिया में आगे बढ़ने के लिए बीजेपी को नॉर्थ और हिंदी हार्टलैंड के राज्यों अपनाई गई रणनीति से अलग रणनीति अपनाने की जरूरत है देखें ये इस इन सारे इश्यूज के ऊपर फिगर्स के साथ डेटा के साथ मैंने एक कट तक क्लटर का एपिसोड किया था तेलंगाना के बारे में वो अपूर्वा आपके साथ शेयर करेंगे इस डिस्क्रिप्शन के साथ आप देख लीजिएगा सच्ची बात ये है कि तेलंगाना में कांग्रेस हमेशा नंबर 2 थी पिछले चुनाव में पार्लियामेंट के लोकसभा के लगा कि बीजेपी एकदम आगे बढ़ रही है उसकी चार सीटें आ गई कांग्रेस की भी चार थी लेकिन बीजेपी के प्रत्याशियों ने केसीआर की बेटी को हराया जो कविता है उनको हराया कि कविता उनको हराया तो वो बड़ी बात हो गई उसके बाद जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए है हैदराबाद में तो उसमें बीजेपी की बहुत सीटें आई कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं था पर बीजेपी की 40 सीटें आई मेरे ख्याल और के की बी की भी करीब चवालीस पैंतालीस सीटें आई लेकिन क्योंकि वहां पर ओवेसी की उसकी भी चालीस के करीब सीटें आई क्योंकि वो हैदराबाद शहर है तो मिलकर उन्होंने वहाँ पे कंट्रोल रखा लेकिन बीजेपी एकदम इतनी बढ़ गई उसके बाद एक आधा बाई इलेक्शन भी बीजेपी जीती वहां पे तो उससे लग रहा था कि बीजेपी बहुत बढ़ रही है और कांग्रेस अब एकदम घट जाएगी और बीजेपी नंबर टू पार्टी बन जाएगी लेकिन वो हो नहीं पाया तो बीजेपी ने भी वहाँ पे लोकल नेता अपने चेंज किए कुछ उन्होंने नेता इंपोर्ट किया, एक किया है कादा इटाला राजेंद्र को लेके आए वो बीआरएस से उसकी और उनका जो पार्टी चीफ था उसके आपस में बनी नहीं तो पार्टी थोड़ी सी पार्टी का उसमें कोजन कुह, रहा नहीं फिर पार्टी को वहाँ संभालने के लिए उन्होंने जो जी किशन रेड्डी हैं दिल्ली में मंत्री हैं उनको भेजा उसमें बीजेपी ने अपना जो एक सिद्धांत है वो भी तोड़ा उनका एक सिद्धांत है वन मैन वन पोजिशन तो एक आदमी मंत्री है तो वो स्टेट में पार्टी का चीफ नहीं हो सकता लेकिन जी किशन रेड्डी मंत्री भी हैं पार्टी के चीफ भी हैं तो बीजेपी ने काफ़ी उसके बाद कंप्रोमाइज़ किए और उनको भी समझ आया कि हम वो जो नंबर टू पोजीशन उसमें नहीं है अब अगर आप डेटा देखेंगे और वो जब आप कड़तक लटरे देखेंगे उसको आपको चार्ट वगैरह आसानी से समझ आएगा लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर मान लीजिए अड़तीस था तो वो घटा तो उनतीस हो गया वो नहीं कि पाँच हो गया और बीजेपी का फिर आठ दस के करीब ही था जी। तो वो अट्ठाईस उनतीस प्रतिशत से अगर सात आठ प्रतिशत फिर बढ़ जाए तो वो एकदम रेकनिंग में आ जाते हैं तो ये फर्क हुआ है वहां पे और ये भी है कि अब डबल एंटी इनकम्बेंसी है केसीआर के ऊपर के और उनका फैमिली का रूल भी है लेकिन उनको हराना इतना आसान भी नहीं होगा अगला सवाल आशीष पटेल का है बोल रहे हैं कि मैंने आपको अपने कुछ सीटीसी uh, में पुरानी फिल्मों का जिक्र करते देखा है मेरा मानना है कि आपको फिल्में पसंद हैं और मेरा प्रश्न भारतीय वॉर फिल्मों के बारे में है हाल ही में बोल रहे हैं उन्होंने सैम बहादुर फिल्म का ट्रेलर uh, रिलीज़ हुआ बोल रहे हैं और उसे uh, इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है तो उनका सवाल ये है कि जब हम हॉलीवुड में बनी अच्छी युद्ध फिल्में वॉर फिल्म जैसे सेविंग प्राइवेट लिस्ट आदि देखते हैं तो हम भारतीय सिनेमा की कुछ अच्छी वॉर मूवीज क्यों नहीं देखते देखिए हमारी हमारे सिनेमा में अच्छी वॉर मूवीज नहीं बनती हैं और जितना मैंने ट्रेलर से देखा ये भी अच्छी वॉर मूवी नहीं होगी क्योंकि उसमें भी जैसी जैसी बातें सैम मानिक शॉ कह रहे हैं वो मतलब आप एक पर्सनालिटी कल्प बनाने के लिए जैसे पैटर्न भी आप देखें तो पैटर्न की कमज़ोरियाँ भी थी हालांकि आपको पर्सनालिटी एक बनानी होती है उसकी कमज़ोरियाँ भी थी उसके फेलियर भी थे बाद में वो सारी बातें थीं तो सैम मानिक शॉप के ऊपर फिल्म मैंने देखी नहीं है तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इंडिया भारत में आज तक कोई भी एक अच्छी ईमानदार वॉर फिल्म नहीं बनी है क्योंकि हर वॉर फिल्म में अगर भारत की या तो भारत की फौज को जिताना होता है और जहाँ जीत नहीं हुई वहां पे एक तरह से एक्सप्लेन करना होता है कि जीत क्यों नहीं हुई जैसे हकीकत हकीकत भारत की अच्छी वॉर फिल्मों में से एक है ये साठ के दशक में बनी थी और ये काफी जो हमारे टैलेंटेड लेफ्टिस्ट फिल्म मेकरस थे उन्होंने बनाई थी मिलकर एम एस सत्यू वगैरह सब ने मिलकर बनाई थी कैफी कैफियाजमी ने गाने भी लिखे थे उसके अंदर और वो मुझे लगा कि हम एक हमने उसके ऊपर एक पास फॉरवर्ड भी किया था हमारे रिपोर्टर्स ने उसका भी लिंक आपसे शेयर कर लेंगे तो हमारे जो काफ़ी लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स थे उनको लगा कि भाई हम तो चीन के साथ थे चीन के साथ हमारी सिम्पति थी और चीन ने हमारे साथ ये किया चीनियों नेहरू को बर्बाद कर दिया नेहरू का जो डिक्लाइन तो चीनीों ने शुरू किया उस लड़ाई ने शुरू किया और नेहरू लेफ्ट के डार्लिंग थे तो उन्होंने क्योंकि उनकी भी अंतरात्मा से उनको आवाज़ आई तो उन्होंने मिल वो फिल्म बनाई वो क्रिएटिवली काफ़ी अच्छी फिल्म थी जी। तो वो सबसे नज़दीक अभी तक हकीकत के हकीकत ही आती है उसके बाद जितनी फिल्में बनी हैं वो थोड़ी कमांडो कॉमिक टाइप ही बनी है हमारे यहाँ कोई जेनुइन फिल्म नहीं बनी है और फिल्म बनी थी ऐसे ही उसमें भी कहाँ ड्रामेबाजी बहुत थी लेकिन कम से कम जो सीक्वेंस जो एयर बैटल्स वग़ैरह थे वो फिर भी काफ़ी जेनवइन थे वो वो भी सत्तर के दशक की फिल्म थी हिंदुस्तान की कसम अच्छा तो उसके अंदर आ, उसके अंदर राजकुमार थे प्रिया राजवंश थी तो वो आ, उसका गाना था अभी भी चलता है है तेरे साथ मेरी वफा मैं नहीं तो क्या अभी अभी भी चलता है तो वो कुछ होंगी लेकिन उसके अलावा बहुत नहीं बनी है शेखर आज का आखिरी सवाल लूंगी दिपेश मोदी का है बोल रहे हैं मैं प्रिंट का नया मेंबर बना हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिपेश जी बोल रहे हैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमास इसराइल वास्तव में पावर्स ऑफ ऑर्डर और, और, और पावर्स ऑफ डिसऑर्डर के बीच एक ग्रेट फाइट का हिस्सा है क्या आपको लगता है कि चीन और रूस भारत पाक या नॉर्थ कोरिया ताइवान आदि में थर्ड फ्रंट खोल सकते हैं नहीं देखिए ऐसे नहीं होगा क्योंकि भारत तो कहीं भारत पाक तो कहीं जाएंगे नहीं भारत पाक के तो अपने इंटरेस्ट हैं उनको अपना नक्शा है अपना अप, 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 अपना अपना झंडा है और अपना राष्ट्रगान है उसी की सुरक्षा करनी है वो किसी ग्रुप में जाने वाले नहीं है आ, रूस नॉर्थ कोरिया चीन अब नॉर्थ अब देखिए चीन का दुनिया में इतना स्टेक है कि चीन कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया इतनी डिस्टेबलाइज हो जाए कि जो ची चीन इतनी बड़ी शक्ति कैसे बना वो इतनी बड़ी शक्ति ऐसे बना कि दुनिया भर में व्यापार है और उसका सामान बन के वहाँ से जाता है जिससे उनके यहाँ नौकरियाँ बनती हैं उनके लोग अमीर होते हैं जिससे उन उनके पास विदेशी मुद्रा के भंडार बनते हैं आज चीन को भारत के साथ 110 बिलियन डॉलर 110 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है मतलब हमारे यहाँ करीब 120 करोड़ 130 135 बिलियन डॉलर वहाँ से इम्पोर्ट होता है और करीब मतलब करीब करीब पंद्रह बीस बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट होता है सिर्फ तो उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्ट का बेनिफिट एक्सपोर्ट का बेनिफिट है इंडिया से ऐसे उनको बहुत देशों से है लगभग सभी देशों के साथ उनका ट्रेड सरप्लस है तो वो नहीं चाहते कि दुनिया को डिस्टेबलाइज किया जाए उसके अंदर करेंसी भी ऊपर नीचे होती है चीनियों को बहुत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी जो करेंसी है वो स्टेबल रहे क्योंकि उनको अपनी करेंसी को थोड़ा वीक करना है वो नहीं चाहता कि करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी उनकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी तो उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका दाम बढ़ जाएगा इसलिए उनके एक्सपोर्ट्स कंपिटिटिव नहीं रहेंगे तो उन, उनको भी नहीं चाहिए कि सारी दुनिया में लड़ाई हो तो ये नहीं होने वाला और दूसरी बात ये दीपेश जी धन्यवाद आपको हमारा मेंबर बनने के लिए आपके तरह और भी बहुत लोग बने हम आपसे बात करते रहेंगे जुड़े रहिए हमारे साथ दूसरी बात यह है कि जो अभी हो रहा है गाजा में ये लड़ाई कोई फोर्सेस ऑफ़ ऑर्डर फोर्सेस ऑफ़ डिसऑर्डर नहीं है ज़रूर हमास तो एक फ़ोर्स ऑफ डिसऑर्डर है लेकिन जो इसराइल की भी सरकार है वो है तो इसराइल की सरकार इसराइल एक लजिटमेट स्टेट है जिसको कि पेलस्टीनियन अथॉरिटी ने भी माना है कि वो लेजीटमेट स्टेट है लेकिन जैसे उसकी सरकार वहाँ पर बिहेव कर रही है वो एक तरह से पक्का फोर्सेस ऑफ ऑर्डर की तरह नहीं है क्योंकि उस सरकार को अपना भी पॉलिटिकल ख़तरा बहुत है क्योंकि वो एक कोलेशन गठबंधन की सरकार है जो कि बहुत बिखरा हुआ गठबंधन है उसके अंदर नेता अपने आप बहुत पॉपुलर नहीं है नेता भारत में ज्यादा पॉपुलर है जितने वो इसराइल से हैं तो उनको अपनी सरकार भी बचानी है तो वो सब मजबूरियां भी उनके लिए वहां पर हैं इसलिए इसको हम कोई क्लासिकल वॉर बिटवीन फोर्सेज ऑफ ऑर्डर एंड फोर्सेज ऑफ डिसऑर्डर नहीं कह सकते सिर्फ यही कह सकते हैं कि इससे मध्य पूर्व में मिडल ईस्ट में जो लग रहा था अब सोने जा रहा है बिल्कुल सब शांति हो रही है इब्राहम अकॉर्ड्स हो गए यूएई और बहरीन ने इसराइल को मान्यता दे दी उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कर लिए सऊदी अरेबिया भी उस रास्ते में जा रहा है और वो हो जाएगा फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बीच में ये हो गया है और इससे एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर हो गया है जी चलिए इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद